स्टेट गवर्नमेंट का प्लान था, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री हरीश रावत जी, कि कैसे हम पूरी विंटर्स में यहाँ पे काम कर सकते हैं और इस बार जो यात्रा शुरू होगी कैसे उससे पहले हम ज्यादा से ज्यादा प्री कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट कर सकते हैं। उसी के अगले स्टेज पे हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं राकेश शर्मा सर, फिर उनके साथ में काफी डिस्कशन हुए, फाइनली ये प्लान बना कि कैसे हम यहाँ पे बड़ी मशीन्स को लेके आ सकते हैं और काम को स्पीड अप करने के लिए उनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी पर्पज को पूरा करने के लिए ये प्लान बना कि जो इस देश में इंडिया में इंडियन एयरफोर्स के पास में सबसे बड़ा जो एयरक्राफ्ट है MI-26 उसे कैसे यहाँ पे हम इंडक्ट करें, कैसे उसकी लैंडिंग कराएं और उसके बाद में बड़ी मशीन्स को इंडक्ट करा सके। आज वो स्टेट गवर्नमेंट का, हरीश रावत सर का, राकेश शर्मा सर का, NIM का, DM रुद्रप्रयाग का, SDMA का, आज एक मकसद पूरा हो गया है। आज बड़े स्मूथ तरीके से यहाँ पे MI-26 लैंड कर रहा है और बड़ी मशीन इंडक्ट हो रही है। ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि इस हाइट पे पहले भी MI-26 ने ऑपरेट करा है, लेकिन इस वैली की एक खासियत है, गौरीकुंड से जब हम अप्रोच करते हैं केदारनाथ के लिए वैली एकदम से नैरो हो जाती है और यहाँ पे इस ऑल्टीट्यूड में, इस नैरो वैली में एक अगर एक्सपर्ट टीम होगी फ्लायर्स की, पायलट की, तभी वो चांस लिया जा सकता है कि यहाँ पे इतने बड़े जहाज को यूटिलाइज करा जा सके। आज विंग कमांडर GS होंगे, वायु मेडल उनको मिल रखा है और उनके साथ एक स्ट्रांग टीम है 25 एयरफोर्स पर्सनल्स की जो सपोर्ट कर रही है उत्तराखंड गवर्नमेंट को, NIM को, हरीश रावत सर के ड्रीम को कि कैसे इन मशीन्स को किसी भी हालत में हम जल्दी से जल्दी ऊपर पहुंचा सकें और केदारधाम में रिकंस्ट्रक्शन को स्पीड अप करके इस बार की यात्रा में मैक्सिमम यात्रियों को यहाँ पे अच्छी सुविधा प्रदान कर सकें और एक मैसेज दें एनवायरनमेंट में कि केदारनाथ में जरूर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था 2013 में, लेकिन आज उत्तराखंड गवर्नमेंट तैयार है इस धाम को पूरा ओपन करने के लिए कि सारे यात्रियों को अपनी फीलिंग, अपनी भावना के साथ में यहाँ पे आना चाहिए। MI-26 का जो ऑपरेशन है केदारनाथ में मशीन को इंडक्ट करने का, उसका दूसरा दिन है। हमारी टीम को तो बहुत बड़ा एक सपोर्ट और हौसला मिल ही रहा है इस चीज से कि अब सारी मशीन जो हमने प्लान करी थी विंटर्स में रह करके और केदारनाथ रिस्टोरेशन में काम करने के लिए, वो इंडक्ट होनी शुरू हो गई है। अभी ये MI-26 से JCB CTX जिसका वेट 6.5 टन है वो अनलोड हो रही है।